हे गाइस, मैं सुमित एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के बारे में। एक्चुअली हमारे पास मैसेज आ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि कौन सा IHM है प्लेसमेंट में बेस्ट, इसके बारे में बताया जाए। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है अभी IHM मेरठ यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो इस चीज को यहाँ पूरे अच्छी तरह से क्लियर करते हैं कि IHM मेरठ क्यों है बेस्ट प्लेसमेंट में और बाकी सभी चीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज यहाँ पे कि ये जो कॉलेज है ये 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये टोटल 33 ईयर ओल्ड का कॉलेज है और साथ ही यहाँ से 29 बैचेस पास आउट हो चुके हैं। गाइस, IHM मेरठ के प्लेसमेंट के बारे में एक अच्छी चीज आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि ताज ग्रुप के जो जनरल मैनेजर है वो IHM मेरठ से ही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख लो। सो ये है IHM मेरठ के प्राउड एलुमनी विनोद पांडे, क्लास ऑफ 1995, जनरल मैनेजर ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये ताजमहल होटल न्यू दिल्ली में जनरल मैनेजर हैं और साथ ही यहाँ स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो ये है IHM मेरठ के प्राउड एलुमनी परमवीर सिंह, क्लास ऑफ 1995, जनरल मैनेजर ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। और ये ताज दमदम गुड़गांव के जनरल मैनेजर हैं। और अब जो मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ आप सभी को, ये है कहाँ कहाँ पे और कब प्लेसमेंट्स हुए हैं IHM मेरठ से, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको फोटो के थ्रू देखने को मिलेगा। ये 26 नवंबर 2019 की पिक है और ये IHM मेरठ के स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई थी द ताज में, ये वहाँ का पिक है। और ये है लीला एम्बियंस 14th October 2019। अब ये रेडिशन की पिक है 4th October 2019 की है ये। साथ में अब यहाँ आप देख लो सेवन सीज होटल, ये 17th January 2020 की पिक है। नेक्स्ट है यहाँ द ओबेरॉय 3rd September 2019। अब यहाँ आ जाता है हयात रेजेंसी 2nd December 2019। अब इसी तरह से और भी जो भी होटल्स में प्लेसमेंट हुए हैं उन सभी के पिक्स यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और यहाँ आप कुछ पेपर के कटिंग्स देख लोगे जिसमें IHM मेरठ के बारे में बताया गया है कि IHM मेरठ में कौन कौन से बच्चे और कितने कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, तो ये न्यूज़ पेपर में भी आया था। अब साथ ही यहाँ एक चीज़ और आप समझ लो कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद 15-20 हज़ार महीने की नौकरी जो है वो आपको आसानी से मिल जाती है, जो एक्सपीरियंस के साथ साथ लाखों रुपए मंथली पहुंच सकती है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHMCT JEE 2020 से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।